नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। मैं आपके साथ कपिल तवर और आज हमारे बीच उपस्थित हैं कर्नल रामावतार सिंह जी, जो कि आज आपको मोटिवेट करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। इन्होंने 700 से अधिक सिलेक्शन इंडियन आर्मी में दिला चुके हैं सोल्जर्स को। तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर आपको मोटिवेट करने के लिए आए, तो आप अगर 300 से 400 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सर वहां पे आपको मोटिवेट करने जरूर आएंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सर आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे युवाओं को कि किस प्रकार उन्हें अपने लाइफ में जो ड्रीम निर्धारित किया है कैसे उसे अचीव किया जाए, सर बताइए। सर देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कर दिए कि आप इस जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर आपने सोचा है कि इंडियन आर्मी में आप सोल्जर बनना चाहते हैं, तो सोल्जर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल कॉम्पिटिशन बड़ा मुश्किल है, टफ है और बहुत ही आज इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको, आपने जो निर्धारित किया, मेरा लक्ष्य ये है कि आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्जर इन आर्मी, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजत नहीं धनी गुरु जजमान। यानी आपका हार्डवर्क जो है, मेहनत है, वो सही दिशा में है तो आपको आपका जो एम है या जो लक्ष्य है वो अवश्य आपको उसको हासिल करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इसमें सिलेक्ट होंगे। इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर आप सिपाही से जनरल तक बन सकते हैं। जैसे मैं सिपाही भर्ती हुआ था, कर्नल रहा 6-7 साल, ब्रिगेडियर के लिए मैं अप्रूव हो गया था, लेकिन मेरी उम्र एक दिन ज़्यादा थी इसलिए मैं ब्रिगेडियर नहीं बन सका, वरना मैं मेजर जनरल तक आराम से पहुंच सकता था। और आपने कुछ भी दे, पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल थे जनरल मूसा, वो 14 साल में पाइनियर भर्ती हुए थे और वो आर्मी चीफ रिटायर हुए। तो इन आर्मी के अंदर इतनी फैसिलिटी है कि आप लेफ्टिनेंट जनरल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना, ईमानदारी से रहना, टाइम पंक्चुअल रहना, रेगुलरिटी। आप सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर हालत में 3-4 घंटे फिजिकल करना पड़ेगा और 10 घंटे आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यही दो चीज़ बताता हूँ कि आप मेहनत करें, मेहनत करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप कभी भी दलालों के चक्कर में मत पड़ो, न कोई रिकमेंडेशन करता। आजकल हमारा जो सिस्टम है बहुत ही पारदर्शी है और इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत फैसिलिटीज हैं, उनको आपकी रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। और आज आपने अपने काफ़ी बहुमूल्य समय जो हमें दिया उसके लिए गोल अचीवर्स की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। और अगर आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, सर से आपका कॉन्टैक्ट कराएंगे अगर संभव हो सके उतना। और आप जब ज़्यादा संख्या में युवा आप जमा होंगे तो सर वहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए आएंगे, हम खुद आपके बीच में सर को लेके आएंगे आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।